नमस्कार दोस्तों करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है आज है 19 अक्टूबर 2023 एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ आज थोड़ा तो सा डिले हो गया रिकॉर्ड करने के लिए सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस आइए डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं डॉलर इंडेक्स कल अच्छा खासा स्ट्रेंथ देखा गया अभी है आपका हंड्रेड बेसिकली आपका एक्सपेक्टेश फेडरल रिजर्व होल्ड रेट हायर फॉर लॉन्गर एज इट ब्रिंग इनफ्लेशन क्लोजर टू इट्स एक्सपेक्टेशन इंटरेस्ट रेट जो है काफी मीन्स हायर लेवल पे रहने और लंबे रहने के लिए एक्सपेक्टेशन एंड उसी के कारण डॉलर इंडेक्स काफी हाई है टेन ईयर ट्रेजरी नया हाई बनाया है फोर पॉइंट नाइन सिक्स सेवन काफी तेजी है टू ईयर ट्रेजरी ऑल्सो फाइव ये जो फोर था उसको तोड़ के ऊपर चला, चला गया है. ट्रेजरी भी काफी स्ट्रॉन्ग है सो so, जब तक इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल नहीं आता इंटरेस्ट रेट एट हायर लेवल्स तो उसी के कारण सब कुछ गड़बड़ हो रहा है एंड आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि यूएस इकोनॉमी में भी इसका डेंट दे, देखना चालू हो जाए सो so, डॉलर रुपी अभी आपका 83.27 थ्री पॉइंट टू सेवन यहाँ पे जब तक इनविजिबल हैंडस देर कुछ कर नहीं सकते कुछ बोल नहीं सकते हमें सिर्फ इंतजार करना है जी बी पी डॉलर में वीकनेस बरकरार है कल ड्यूरिंग द डे उछाल करने का कोशिश किया था लेकिन फिर दोबारा नीचे आ गया है अभी आपका ये जो स्विंग लो है दैट मींस अक्टूबर का लो है उसके तरफ ये जाने के लिए तैयार हो रहा है यूरो जी आईएनआर में भी सिमिलरली इट इज हेडिंग टुवर्ड्स द स्विंग लो दैट इज ऑन फोर्थ ऑफ अक्टूबर उसको टेस्ट करने का प्रयास कर रहा है यूरो डॉलर यूरोहाँ पर भी वीकनेस देखा गया कल अच्छा खासा वीकनेस देखा गया एंड uh, अभी ये जैसे ही आपका सिक्सटीन अक्टूबर के लो के नीचे क्लोज दे देगा अगर देता है तो इन सच केस थर्ड अक्टूबर के लो को टेस्ट करने के लिए प्रोसीड कर सकते हैं यूरो यूरोनर में भी सिमिलरली ये जो आपका सिक्सटीन अक्टूबर का लो है इसके नीचे अगर क्लोज देता है देन आने वाले दिनों में ये थर्ड अक्टूबर के लो को टेस्ट करेगा वहाँ पे टेस्ट करने के बाद हमें फिर दोबारा देखना है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करता हैं सपोर्ट करके फिर दोबारा ऊपर जाने का प्रयास करता है या नीचे की तरफ डाउन मूव करता है इसके लिए हमें इंतजार रहेगा डॉलर येन 149.80 यहाँ पे ई एन का स्ट्रॉन्ग होने का नामो निशान नहीं है बी ओ जे इंटरविन करेगा 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 लेकिन करने का नाम ही नहीं ले रहा है मार्केट इंटर तो एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे आके बी ओ जे डंडा घुमाएगा अपना एंड डॉलर ये आपका 145 140 138 तक आ जाएगा लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है ये एन आई में भी जारी है जब तक बी ओ जे नहीं करता तब तक कुछ

यहाँ पर भी एक ब्रेक डाउन के बाद ऊपर गया यहाँ पर भी ब्रेक डाउन के बाद ऊपर लग रहा था कि ये towards, uh, 65, लेकिन दोबारा ये नीचे के तरफ आ रहा है, काफी वीक दिख रहा है इस तोड़ के, के तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है आपका सी एन एच डॉलर ट्रेंड के सामने सी एन एम्स चाइनीज इकोनॉमी का जो हल्का फुल्का पॉजिटिविटी दिख रहा था वो कोई काम नहीं आया सी एन एच अभी थ्री और मीन्स काफ़ी वीकनेस बरकरार है पी बी ओ सी अवेलेबल है तो ज़्यादा कुछ हम मीन्स वालिटिलिटी यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं ब्रैंड क्रूड नाइन्टी वन पॉइंट फाइव से कल ऊपर में आपका नाइन्टी थ्री पॉइंट वन नाइन तक गया था लेकिन सस्टेन हो नहीं पाया यहाँ पे बेसिकली द डेवलपमेंट इज़राइल पैलेस्टाइन का जो डेवलपमेंट हो रहा है एक दूसरे को मीन्स ब्लेम करने के लिए नेगेटिविटी करने के लिए कल जैसे एक हॉस्पिटल में ब्लास्ट किया मीन्स दे ट्राइड टू पुट द एंटायर ब्लेम ऑन इज़राइल बट एज पर द इजरायली मीन्स एविडेंस इट सिम्स वन टेरोरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जस्ट इसराइल में मिसाइल फायर करने के चक्कर में मीन्स वो मिस फायर हो गया अन्य हॉस्पिटल में आ गया बट ड्यू टू दिस काफ़ी हलचल हो रहा है एंटर मिडिल ईस्ट में काफ़ी हलचल है मीन्स ईरान भी लगे हुए हैं मैं अपना सिक्का चलाने के लिए बेसिकली ये बर्चिस मीन्स अपना अपना इम्पोर्टेंस अपना अपना बर्चिस का लड़ाई है मीन्स कोई भी अपना नंबर पीछे रखना नहीं चाहता मैं भी हूँ इस से है, फाइटिंग पे तो वही चल रहा है लेकिन कैसे होता है क्या होता है वो हमें नजर देखना पड़ेगा जैसे जैसे एक एक इवेंट आएगा उसी हिसाब से वॉलीटिलिटी चलता रहेगा यूएस टैनर ट्रेजरी काफी ऊपर है कुछ बोल नहीं बोलने की हालत में नहीं है ये ऊपर ही जा रहा है एंड दिस इज नॉट गुड फॉर यूएस इकोनॉमी इफ़ इट इज नॉट गुड फॉर यूएस इकनॉमी गोइंग टू बी गुड फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी सो करेंसी